हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 1 SST बाय जीवनप्रीत कौर। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे, जिसका नाम है राइट और रॉन्ग। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? गुड मैनर्स और हेल्दी हैबिट्स। गुड मैनर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट एंड हैव अ गुड मैनर्स। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि हम लोग धीरज से, पोलाइट मतलब धीरज से काम लें और अच्छी आदतें रखें। बाई डूइंग दिस वी बिकम गुड ह्यूमन बींग एंड एवरी वन लाइक्स हर। इस अगर आप पोलाइट से रहेंगे और गुड मैनर्स से सबसे बात करेंगे, सबसे वेल बिहेव करेंगे, तो सब आपको अच्छा इंसान समझेंगे और सब आपको पसंद भी करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया ने गीता से हंस के बात की और गीता ने उससे बदतमीजी से बात की, तो क्या अब रिया गीता से दोबारा बात करेगी? नहीं, वो दोबारा बात नहीं करेगी। क्योंकि बच्चों, अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा दूसरों के प्रति, तो दूसरे लोग भी आपसे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर आप गंदा बिहेवियर रखेंगे दूसरों के प्रति, तो वो अभी आपसे बात नहीं करेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डज रिया हैव अ गुड मैनर्स। अब आप इस पिक्चर में देखिए और बताइए, क्या रिया गुड मैनर्स में बिहेव कर रही है कि नहीं? मम्मा, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज़? रिया अपनी मम्मी से कह रही है कि क्या मुझे ग्लास ऑफ मिल्क, दूध मिल जाएगा? थैंक यू मम्मा। तो वो जब उसकी मम्मी ने उसे ग्लास ऑफ मिल्क दे दिया, तो वो अपनी मम्मी को थैंक यू कह रही है। तो उसकी मम्मी आगे से उसको रिप्लाई करती है, यू आर वेलकम रिया। तो वो कहती हैं, यू आर वेलकम। फिर उसके बाद रिया से कुछ बूंदे जो हैं वो गिर जाती हैं दूध की, तो वो अपनी मम्मी को बोलती है, सॉरी मम्मा, आई हैव स्प्लिट सम मिल्क हियर। तो अपनी मम्मी को बोलती है कि सॉरी मम्मी, मुझसे गलती से कुछ दूध की बूंदें गिर गई हैं। दैट्स ओके, बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो रिया की मम्मी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से ध्यान देना, क्योंकि फूड को वेस्ट मत करना। तो क्या बच्चों, रिया ने कोई बदतमीजी की या कुछ अनबिहेव किया? नहीं, उसने तो सॉरी भी कहा, थैंक यू भी कहा। तो ये सब अच्छी आदतें हैं। तो रिया गुड मैनर्स में बिहेव कर रही है। There are some other polite expression that we use in our everyday life. Here are some example. अब ऐसे कौन से polite expression हैं जो हम लोग को हमेशा use करने चाहिए और ये हमारे daily life में काम भी आते हैं? We say excuse me when we want someone attention. तो बच्चों, जैसे तीन बच्चे खड़े हैं, अब हमें अपनी बात करनी है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन हमें भी उनको कुछ बताना है, तो क्या हम उनकी बात काटेंगे? नहीं, जब उनकी बात ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग बोलेंगे एक्सक्यूज मी, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। वी से हेलो व्हेन वी मीट पीपल। अब हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो हम लोग उनसे पहले हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसे विश करेंगे। अब तुरंत जाके अपने दोस्त के पास खड़े हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, तो उसको भी लगेगा कि इसने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं। तो आपको हमेशा हेलो कहना चाहिए। गुड मैनर्स आर ईजी टू लर्न। गुड मैनर्स जो हैं वो ईजी टू लर्न होती हैं। वी लर्न देम एट होम, एट स्कूल। हेयर आर सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। गुड मैनर्स हम लोग कहाँ कहाँ सीखते हैं बच्चों? अपने घर में सीखते हैं, अपने माँ बाप से, और अपने स्कूल में सीखते हैं, अपने टीचर से। कुछ पॉइंट जो हमें हमेशा अपने दिमाग में बैठानी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? वी शुड ऑलवेज आस्क बिफोर टेकिंग समवन दैट इज़ नॉट योर्स। तो बच्चों, हम जब किसी की चीज़ लेते हैं तो हमेशा हम लोग उनसे पूछ लेते हैं कि क्या मैं आपसे रबड़ ले लूँ, क्या मैं आपसे पेंसिल ले लूँ। अगर आप उनसे बिना पूछे लेते हैं तो उन्हें बुरा भी लग सकता है और हो सकता है कि वो ये सोचने लगे कि आपने चोरी की है, और चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। वी शुड लर्न टू शेयर आवर थिंग विद अदर्स। हमें हमेशा अपनी चीज़ें को शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे आप लोग टिफ़िन करते होंगे स्कूल में, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठ के उनसे शेयर करते होंगे अपना टिफ़िन, और वो लोग आपसे अपना टिफ़िन शेयर करते होंगे। तो ये सब हमें शेयर करना चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउस, होम्स एंड क्लासरूम क्लीन। हमें हमेशा अपना क्लासरूम और अपना घर साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट प्लांट एंड एनिमल। हमें कभी भी पौधों और पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जैसे बच्चों, आप लोग ये भी काम कर सकते हैं कि आप लोग जब बाहर किसी कुत्तों को देखें कि वो लोग बेचारों को कितना सर्वाइव करना पड़ता है एक रोटी के लिए, तो आप लोग अपनी मम्मी से क्या है कि उनको एक रोटी खिला दिया कीजिए रोज़। बच्चों, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, आप एक दिन उन्हें रोटी खिलाएंगे, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।
वी शुड वेट इन द क्यू टू बोर्ड अ बस। तो बच्चों हमें हमेशा क्यू में काम करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सीढ़ियों से भी नीचे उतर रहे हैं तो हम लोग को पहले लाइन में स्टैंड होना चाहिए, क्यू में स्टैंड होना चाहिए, फिर उतरना चाहिए। बस में भी अगर हम लोग चढ़ उतर रहे हैं तो भी हम लोग को लाइन में खड़े होकर वेट करना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट पुश अदर, हमें दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड, हमें अपने दोस्तों की मदद हमेशा करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके दोस्त किसी मुसीबत में तो आप लोग ज़रूर उनकी मदद कीजिए, लेकिन अगर वो कुछ गलत काम के लिए आपकी हेल्प मांग रहे हैं तो आप उनकी मदद मत कीजिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमेशा अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो गया, आपको हमेशा अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए। बच्चों वी शुड नॉट शाउट इन क्लास, हमें अपने क्लासरूम में शोर नहीं मचाना चाहिए। हम लोग क्लास में पढ़ने जाते हैं ना बच्चों, तो हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, आप लोग अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बीच में नहीं, ये सब गुड मैनर्स के अंदर नहीं आता। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हैं आपके गुड मैनर्स के। अब हम लोग हेल्दी हैबिट्स देखेंगे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे हेल्दी रह सकती है। जस्ट लाइक गुड मैनर्स, जस्ट लाइक अ गुड मैनर्स, हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक अ गुड मैनर्स हेल्प अस इन बिकमिंग गुड ह्यूमन बींग, हेल्दी हैबिट्स मेक अस स्टे फिट एंड फाइन। देर आर सम हेल्दी हैबिट, जैसे गुड मैनर्स हमें गुड ह्यूमन बींग बनाती है, वैसे ही हेल्दी हैबिट्स हमें स्टे फिट रखती है और फाइन रखती है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं हेल्दी हैबिट्स के बारे में, आइए जानते हैं। वी शुड कीप आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन, हमें हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बच्चों कोविड चल रहा है तो आप लोग हमेशा अपने हाथ धोते रहिए, हमेशा मतलब एक घंटे में एक बार अपने हाथ ज़रूर धो लीजिए, और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोइए। वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स, मैंने आपको पहले बताया साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, घर में हो, आपको साफ सुथरे ही कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड हैव अ बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड एट अ राइट टाइम, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो भी सही समय पर। जैसे कुछ बच्चे 9 बजे खाना खाते हैं तो वो लोग 9 बजे ही खाएं, कुछ बच्चे 8 बजे खा लेते हैं 8 बजे खाएं, लेकिन फिर कुछ बच्चे 11 बजे खाते हैं तो वो हेल्दी टाइम नहीं है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए बच्चों। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए। आप लोग घर में आप लोग तरह तरह की योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। वी मस्ट गो एंड प्ले आउटसाइड विच इज़ ए गुड वे टू एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम लोग बाहर खेलने जाएँ और अच्छे से खेलें, ताकि वो भी हमारी एक एक्सरसाइज का पार्ट होता है। वी शुड गो टू बेड ऑन टाइम एंड गेट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ स्लीप अ डे, हम लोग को अपना सोने का टाइम फिक्स करना चाहिए, उसी टाइम पर हमें बेड पर जाना चाहिए सोने, और हमें एक दिन में कम से कम 8 दिन की नींद ज़रूरी होती है, और 8 घंटे बाद आप लोग सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत भी डालिए, और 8 घंटे की नींद कंप्लीट करने के बाद आप लोग फील करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, दिस मच फॉर टुडे, आपका ये चैप्टर 7 ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।